जादुई पानी का नल। माया अपनी नानी के साथ हिमाचल की घाटियों में बसे एक छोटे से सुंदर गांव में रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे, बचपन से ही नानी ने ही उसे पाला पोसा था। नानी किसी बगीचे में माली के काम में सहायता करती थी। माया बहुत छोटी उम्र में ही घर के सारे काम करना सीख गई थी, क्योंकि नानी को सुबह ही जाना होता था और शाम ढले वापस आती थी। पहले तो नानी ही सारे घर के काम निपटा कर जाती थी, पर जब से एक बार नानी बीमार पड़ी थी, उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता था। बगीचे के मालिक ने तो कह दिया था कि अगर ज्यादा देर होगी तो वो किसी और को ये काम दे देंगे। माया घर की सफाई करती, बर्तन धोती, खाना बनाती, उसके बाद खाना लेकर नानी के पास जाती। बगीचे की तरफ जाते समय रास्ते में एक कुटिया थी, वहां एक बूढ़े बाबा रहते थे। उनको खाना देने जाती थी, क्योंकि वो अपने कुत्ते मोती के साथ अकेले ही रहते थे। माया उसके लिए भी दो रोटी ले आती। बदले में बूढ़े बाबा उसे खूब आशीर्वाद देते। मोती उसके साथ साथ बगीचे तक आता था। नानी और माया दोनों बैठकर खाना खाती। फिर थोड़ी देर वो बगीचे में कुत्ते के साथ पेड़ पौधों की देखभाल में नानी की मदद भी कर देती। उसके बाद माया मोती के साथ ही घर आ जाती थी, उसको रात का खाना भी खिलाकर कुटिया भेज देती। उन्हीं दिनों उनके गांव में नई नई पाइपलाइन आई थी, वरना तो उसे गांव के कुएं से ही पानी लाकर सारे काम करने पड़ते थे, जहां घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता था। पानी आने का समय हो गया था, नानी तो सुबह ही काम पर चली गई थी। पहला ही दिन था बर्तन धोने के लिए। जब उसने पानी का नल खोला तो पानी की जगह ढेर सारा बालू निकलने लगा। वो जल्दी जल्दी एक तसले में भरकर बालू उठाकर फेंक रही थी, क्योंकि अगर पानी आ गया तो पूरा कमरा कीचड़ से भर जाएगा। तभी बालू के गिरने के साथ साथ छनाक की आवाज आई। उसने नल बंद कर दिया और तसले में देखने लगी। उसने बालू का ढेर हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बालू में तो कुछ सोने और कुछ चांदी के सिक्के पड़े थे। पहले तो उसने उन्हें हटाया और अपने दुपट्टे से साफ किया। उसके बाद फिर से नल खोला तो पहले खड़खड़ की आवाज आई और फिर बालू निकलने लगा। तभी फिर से छनाक छनाक के साथ सिक्के गिरने लगे। वो जल्दी जल्दी सिक्के उठाकर अपने दुपट्टे के आंचल में भरने लगा। बहुत सारे सिक्के गिरने के बाद तब कहीं जाकर पानी आया। अब तो मारे खुशी के उसके हाथ पांव भी चलने बंद कर दिए थे। उसने पहले सारे सिक्कों को रगड़ रगड़ कर साफ किया, फिर पोंछ कर नानी के संदूक में रख कर ताला लगा दिया। माया ने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए। फिर खाना लेकर नानी के पास बगीचे में जाने के लिए निकलते ही पहले बूढ़े बाबा और मोती को खाना देने उनकी कुटिया में चली गई। बाबा बहुत शांत से लेटे हुए थे। उसने उन्हें सहारा देकर उठाया और खाना खिलाया, फिर मोती को भी खाना दिया। उसके बाद वो नानी के पास बगीचे में गई। नानी ने उसको देखकर ही पूछा, अरे बिटिया, आज कहाँ रह गई? भूख के मारे अंतड़ियां कुलबुला रही है, आज क्या लाई है? वो बोली, नानी आप खाने की बात छोड़ो, मैं जो बात बताने जा रही हूँ उससे आपके भूख प्यास सब गायब हो जाएगी। नानी ने कहा, पहेलियां मत बुझा, जल्दी बता, खाना भी निकाल दे। माया ने नानी को सारी बात बताई तो नानी हैरान सी उसका मुंह देखने लगी और बोली, तुझे जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी, पीतल के सिक्के होंगे। फिर वो बोली, नानी मुझे पता था कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, इसीलिए मैं दो सिक्के अपने साथ लेकर आई हूँ। नानी की नजर जैसे ही सिक्के पर पड़ी वो बोली, बेटी सच्ची बता, मेरे तो कलेजा धक धक कर रहा है, कहाँ से लाई ये सिक्के? नानी आप घर चलो, खुद ही देख लो।
चल अभी चल। दोनों घर आ गईं। माया ने नानी का संदूक खोलकर ढेर सारे सिक्के उनके सामने उड़ेल दिए। नानी हाथ में सिक्के उठा उठा कर परखने लगी, फिर बोली, अरे ये तो सचमुच सोने के सिक्के हैं। चल शाम को पानी आएगा तब देखेंगे। माया लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। माया बोली, हाँ हाँ नानी, आप भी किसी से कुछ मत कहिएगा। शाम हो गई थी। दोनों पानी आने का इंतजार करती रहीं, लेकिन पानी आ ही नहीं रहा था। नानी ने कहा, बगल में देखकर आ तो जरा, उनके नल में पानी आया क्या? माया ने कहा, नहीं नानी, रहने दीजिए, आना होगा तो अभी आ जाएगा। बहुत देर तक इंतजार करते करते दोनों थक गईं। नानी बोली, माया अब खाना बना ले बेटी, अब शायद पानी नहीं आएगा। माया ने खाना बनाया। जैसे ही खाने बैठी तब तक नल में से खड़खड़ आवाज आने लगी। माया खाना छोड़कर भागी और नल खोल दिया। नल में से पहले बालू निकला, फिर 5 सोने के सिक्के और 3 चांदी के सिक्के निकले। नानी भी वहीं खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही थी। नानी बोली, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अच्छा चलो ये सिक्के सिंदूक में रख दो और खाना खा लेते हैं। जब रात में दोनों सोई तो माया ने सपना देखा कि वो बूढ़े बाबा उसके पास आकर बोले, बेटी तुम लोग अपने हिस्से के भोजन में से मुझे रोज भोजन करवाते हो, मैं शरीर से असमर्थ हो गया हूँ, अब मैं अपना शरीर त्याग रहा हूँ, तुम लोगों को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना कि उस कुत्ते मोती को भी खाना जरूर देना, तुम्हें रोज 5 सोने के सिक्के और 3 चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और बोली, नानी वो बूढ़े बाबा चले गए और उन्होंने ही ये सब कुछ किया है। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि बूढ़े बाबा वाकई नहीं रहे। माया और उसकी नानी बहुत दुखी हुए। वो लोग भी कुटिया पर गए तो मालूम हुआ कि वो तो कोई बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे। यहाँ तो वो अपने जीवन के आखिरी समय में किसी शांत जगह में अपने कुत्ते मोती के साथ गुमनामी का जीवन बिताने आए थे। माया और उसकी नानी को जादुई नल का रहस्य समझ में आ गया था। मोती अब हमेशा के लिए उनके घर में रहने लगा था। अब तो उनके पास पैसे रुपयों की भी कोई कमी नहीं रह गई थी। माया ने अपना बड़ा सा घर बनवाया और हर जरूरतमंद की मदद करने में सबसे आगे रहती। उसकी नानी कहती, हमारे नसीब खुल गए, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम बहुत गरीब थे।